Hello students, today I am going to explain you chemical equation. The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulae of the substances involved in it is known as the chemical equation. Means Jevam. केमिकल रिएक्शन होती है और जब उस रिएक्शन को हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो हम किसके आ, द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बोस और फॉर्मूले की हेल्प से तो इसे क्या बोला जाता है वो जो वो इक्वेशन हमको मिलती है उसे केमिकल इक्वेशन बोला जाता है अस टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन क्लियरली वेन वी रिएक्ट विथ जिंक मेटल विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस मतलब जब हम जिंक मेटल की रिएक्शन सल्फ्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस तो दिस रिएक्शन कैन बी रिटर्न इन वर्ड एज तो अब इसे हमें वर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्रिक एसिड जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन तो ये जो लिखा हुआ है वर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है दिस इज नॉन एज वर्ड इक्वेशन वी कैन चेंज दिस वर्ड इक्वेशन इंटू अ केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग द सिम्बोल्स एंड फार्मूले ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस इन द प्लेस ऑफ देयर नेम्स अब ये जो हमने वर्ड इक्वेशन लिखी है हम इसे केमिकल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं हम इन केमिकल्स के सिम्बोल्स और फार्मूले यहाँ पर रख देंगे तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो किस में बन जाएगी केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी है ना हम जिंक की प्लेस जिंक का फॉर्मूला होता है सिम्बॉल होता है जैड एन तो हमने वहां पर उसको पुट कर दिया और सल्फ्रिक एसिड का फॉर्मूला एस टू एसओ फोर वो हमने उसकी प्लेस पर रख दिया फिर फार्मूला हाइड्रोजन गैस का क्या होता है एच वो रखा हमने और जिंक सल्फेट का जेड तो ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन बन गई ठीक है जिंक प्लस एच टू फोर जिंक सल्फेट और एच टू हमको उसमें मिला है अब यहाँ पर इस केमिकल इक्वेशन uh, में आपको एक बात और समझनी होगी स्टूडेंट्स कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हैं वो क्या है रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड में हमको जो भी मिलते हैं न्यू सब्सटेंसेस uh, वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं ठीक है तो ये आप ध्यान रखें रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है मतलब रिएक्टेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो रिजल्ट के रूप में हमको मिलते हैं वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं तो ये जो इक्वेशन है ये किस टाइप की इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन है ये तो आपको समझ में आ गया अब केमिकल इक्वेशन में भी दो चीज़ें होती है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है तो ये जो केमिकल इक्वेशन मैं आपको बता रही हूँ ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है अब आपको uh, कैसे पता पड़ेगा कि ये बैलेंस है या नहीं है तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ देखिए यहाँ पर अब हमको इसके लिए आपको एटम एटॉमिक सॉरी नंबर ऑफ एटम्स याद होना चाहिए कि यहाँ पर जिंक तो जिंक में कितने एटम्स है यहाँ पर जिंक के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है कोई नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म यहाँ नहीं लिखा है मतलब इसमें जिंक का वन एटम पार्टिसिपेट कर रहा है ऐसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के टू आइटम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सल्फर का एक एटम है और ऑक्सीजन के फोर एटम है ऐसे ही हम प्रोडक्ट्स में भी देख लेंगे तो दोनों साइड हम बोथ साइड देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं तो हम जिंक के एटम नंबर ऑफ एटम जिंक का देखें तो वन है और प्रोडक्ट्स uh, में भी वन है रिएक्टेंट्स में हम देखें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं टू और प्रोडक्ट्स में भी टू है ऐसे ही हम देखें कि सल्फर के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में कितने वन और प्रोडक्ट्स में भी वन है ऐसे ही ऑक्सीजन के इधर रिएक्टेंट्स uh, में फोर है नंबर ऑफ एटम्स और इधर प्रोडक्ट्स uh, में भी नंबर ऑफ एटम्स फोर है तो बोथ साइड हमको जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सिमिलर दिखाई दे रहे हैं कोई चेंजेस नहीं है उनमें मतलब कोई चेंजेस नहीं है तो ये जो केमिकल इक्वेशन है ये कैसी कहलाती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन सो वी कैन सेटा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ इक्वल मासेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका मास uh, uh, भार जो होता है मासेज आपने पहले पढ़ा हुआ है इन प्रीवियस क्लासेज में वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में बिल्कुल सिमिलर होता है तो ये जो इक्वेशन कहलाती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है सो so स्टूडेंट्स मैंने आज आपको केमिकल इक्वेशन क्या होता है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये बताया Okay students I hope you understood the chemical equation and balance chemical equation meet soon in next video bye